अपने शासन शक्ति और ताकत का प्रदर्शन युद्ध को न्योता देता है। भारत का तो इतिहास ही युद्धों का रहा है। हजारों विदेशी भारत की तरफ अपनी नंगी तलवारें लिए बढ़े, कुछ सफल हुए तो कुछ का भयभीत करने वाला हश्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज के भारत से पीछे जाए तो युद्ध हमेशा मर्दों की शान समझी जाती थी। तो चलिए हम भारत के इतिहास की शुरुआत से उन महाविनाशी युद्धों को देखते हैं जिन्होंने धरती को हिला कर रख दिया। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। भगवान इंद्र, भगवान परशुराम से लेकर भगवान श्री राम और रावण के युद्ध ने विश्व का भविष्य निश्चित किया। इन युद्धों से होते हुए एक महाविनाशी युद्ध दुनिया ने देखा, जो था दस राज्य का युद्ध, द बैटल ऑफ टेन किंग्स। श्री राम रावण के युद्ध के 150 साल बाद आर्यव्रत की इस धरती ने दुनिया का सबसे घातक युद्ध देखा। इस युद्ध में 10 राज्यों के आर्य पतियों की सेनाओं ने अपने ही आर्य भाइयों के सामने युद्ध की हुंकार भरी। दुनिया में कोहराम मचा देने वाले इस युद्ध को भारत खंड का सबसे महाविनाशी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में किसी भी गैर आर्य का बीच में पड़ना मतलब सीधा मौत था। इस युद्ध को आर्यों की सत्ताओं का संघर्ष कहा जाता है। आर्यपति राजा सुदास ने उस जमाने के महान 10 राजाओं की विशाल महासेनाओं का अकेले मुकाबला किया और जीत के परचम के साथ आर्य भूमि पर गुरु वशिष्ठ को सर्वोच्च पद मिला। ये युद्ध कांधार प्रदेश जो आज के अफगानिस्तान में है वहां लड़ा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शूद्र कौन नामक पुस्तक में इस युद्ध का जिक्र किया है। महाभारत। आज से 5000 वर्ष पीछे चले तो दुनिया के इतिहास का पहला विश्व युद्ध नजर आएगा, जिसे महाभारत कहा गया। पुराणों के अनुसार इस युद्ध में विश्व के 1 करोड़ लोग धर्म की स्थापना के लिए लड़े थे। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाओं ने इस युद्ध को अंजाम दिया। इस युद्ध के अनेक कारण बताए जाते हैं, पर मुख्य कारण था धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करना। इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। पोरस सिकंदर का युद्ध। ईसा के जन्म के 340 साल पहले ईरान को जीतते हुए एक जोशीले भाव से सिकंदर भारत की तरफ बढ़ते हुए भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपनी ओर मिला लिया और एक पत्र लिखा सम्राट पोरस को कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। सम्राट का जवाब था, राज्य पत्रों से नहीं ताकत से मिलते हैं। इसी के बाद भारतीय इतिहास का महायुद्ध हुआ। पोरस महान की सेनाओं ने शत्रुओं पर भयानक हमला किया। पोरस के पास हाथियों की विशाल सेना थी जिससे सिकंदर अनजान था। पोरस की सेना के पास 7 फुटी लंबे भाले थे जिनमें एक ही वार में 10-10 शत्रुओं को मार देने का प्रहार था। ईरानी और चीनी इतिहास के पन्नों में इस युद्ध में पोरस महान की वीरता पढ़ी जा सकती है। राजा पोरस ने सिकंदर को 3 बार युद्ध के मैदानों में पछाड़ा। अंत में सिकंदर को पोरस के सामने झुकते हुए संधि करनी पड़ी। पोरस के बाद देखे तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यवनों की सेनाओं पर ताबड़तोड़ धावे बोले कि सेल्यूकस को भी बोलना पड़ा होगा, सिकंदर नहीं चंद्रगुप्त महान। कलिंग का युद्ध। ईसा के जन्म के 261 साल पहले भारत भूमि पर महाभयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत के महान अधिपति सम्राट अशोक ने युद्ध का नेतृत्व किया। आज के उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास के मैदानों में सम्राट अशोक ने भयंकर धावे के साथ कलिंग राज अनंत पद्मनाभ की सेनाओं पर युद्ध का शंखनाद किया। हुआ यह था कि सम्राट को अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के कलिंग विजय का सपना और भारत पर एक छत्र शासन स्थापित करना था। इसी युद्ध में सम्राट अशोक ने एक विशाल सेना लेकर कलिंग पर महाविनाशी धावा बोला। सम्राट इस युद्ध में सब कुछ भूल गए, उन्हें बस परिणाम में जीत ही चाहिए थी और अंत में हुआ भी यही। युद्ध के परिणाम बहुत ही भयानक सिद्ध हुए। सम्राट ने अपनी जीत का झंडा बुलंद किया। अखंड भारत के एकमात्र सम्राट के रूप में मैदान में अशोक महान के नारे भी गूंजे। पर इस युद्ध के बाद इस महाविनाश को देखकर सम्राट अशोक ने शांति की राहों को चुन लिया। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के सबसे महाविनाशी युद्धों में ये युद्ध सामने आते हैं। इन युद्धों के बाद भारत में और भी कई महाविनाशी युद्ध हुए जिनका जिक्र हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे।
इन युद्धों से यही स्पष्ट हुआ जिसकी ताकत उसका शासन। वीडियो को लाइक जरूर करें, अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद, जुड़े रहिए डिमांडिंग पंडित से।